वेलकम टू सांवरिया क्राफ्ट। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप तक सभी वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचे। राधे राधे, सांवरिया क्राफ्ट में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे गोपाल जी के लिए ये जो मुकुट में मैंने ये देखिए एक्सेसरीज लगाई थी, आज हम इसी को बनाना सीखेंगे। तो ये देखिए हमें जिस मटेरियल की ज़रूरत है, देखते हैं। ये देखिए, ये हमारे मैचिंग थ्रेड जैसे हमने ड्रेस में यूज़ किए हैं वही सेम कलर्स हैं, और ये कॉटन के थ्रेड्स हैं फ्रेंड्स। और ये हमारा क्रोशिया 0.9 mm का, और ये सीज़र। तो आइए अपना वर्क स्टार्ट करते हैं। ये हम ग्रीन कलर का थ्रेड यूज़ कर रहे हैं फ्रेंड्स, जैसे हमने इसमें किया है सेम मैं उसी तरीके से आप अपने कलर की जो स्कीम है उसके अकॉर्डिंग आप बना सकते हैं। तो ये देखिए, हम इसको ऐसे यहाँ पर ऐसे लपेटना शुरू करेंगे अपनी दो फिंगर के ऊपर। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 राउंड कंप्लीट हुए फ्रेंड्स। और यहीं से हम इसको ऐसे हाथ रखेंगे, ऐसे करके इसको ऐसे, ये देखिए फ्रेंड्स 14 राउंड हमारे यहाँ तक कंप्लीट हो गए। इस धागे को हम अभी एक बार ऐसे यहाँ तक ले आएंगे, ऐसे यहाँ हाफ राउंड और ले लेंगे, और यहीं से हाथ रखेंगे ऐसे। ये देखिए, यहाँ से अब हम यहाँ से क्रोशिया हुक डालेंगे, ऐसे ऐसे इसको पकड़ के रहेंगे यहाँ पर, और ये जो हमारा थ्रेड है ये वाला, इसको हम अपने फिंगर पे ऐसे लपेट लेंगे, और यहाँ से इस थ्रेड को हम ऐसे यहाँ निकालेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर एक हम चेन स्टिच। तो ये देखिए, हमने एक बार बनाया इसी तरीके से फ्रेंड्स। हम इसके अंदर यहाँ पर 14 टाइम ऐसे सिंगल क्रोश यहाँ पर हम चेन स्टिच बनाते जाएंगे। ये देखिए, ये सॉरी सिंगल क्रोशिया बना रहे हैं हम यहाँ पर इस टाइप से। ये तीन बन गए और यहाँ पर ये चार। तो इसी तरीके से इसके अंदर हम 14 कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने 14 टाइम ऐसे इसमें ये सिंगल क्रोशिया बना लिए, और अब हम इसको इसको ऐसे ही रखेंगे, और इनको ऐसे आपस में ऐसे यहाँ से ऐसे टाइटली इसको यहाँ से पकड़ लेंगे। तो ये देखिए, अब हम यहाँ पर इस ये जो हमारा धागा है ये वाला, इसको हम यहाँ से ऐसे लपेटना शुरू करेंगे। ये देखिए, ये मैंने एक बार ये यहाँ पर ऐसे टाइट हो जाएगा ये ऐसे। तो फ्रेंड्स, आप 5-6 बार इसको यहाँ पर ऐसे हम यहाँ पर लपेट देंगे। ये देखिए ऐसे करके, ये देखिए फ्रेंड्स, इसको हमने यहाँ पे ऐसे लपेट लिया, और लपेटने के बाद ये जो हमारा यहाँ पर ये धागा आ गया ये वाला, इसको हम यहीं से ऐसे करके ये जो हमारा लूप है फ्रेंड्स देखिए, इसके अंदर हम ऐसे निकाल देंगे ऐसे करके। तो ये देखिए, हमारा वर्क देखने में कुछ इस टाइप का होगा। इसको यहाँ पर हम ऐसे टाइट कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ हमने इसको ऐसे निकाल दिया, और यहीं पर अब हम इसे कट कर देंगे। इसको हम टाइट करेंगे यहाँ से, टाइट करके फिर अब यहाँ से हम इसको एक बार और निकाल कर, ये देखिए बिल्कुल यहाँ से ऐसे टाइट होना चाहिए फ्रेंड्स। ये देखिए, मैं आपको क्लोज करके दिखाती हूँ, और यहीं से फिर इसको हम ऐसे एक दो यहाँ पर बल देकर इसको टाइट कर देंगे, और इसको यहाँ से हम निकाल देंगे। ये फ्रेंड्स, यहाँ पर ये धागा आ गया, धागा बीच में नहीं आना चाहिए। ये देखिए, ये ऐसे करके यहाँ पर हम इसे टाइट कर देंगे ऐसे करके, और यहीं से एक बार निकाला ये दूसरी बार, तो ये यहाँ पर हम इसे कट कर देंगे। तो देखिए, हमारा वर्क देखने में कुछ इस टाइप का है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमने अब हमने यहाँ से कट किया, और यहाँ से इस साइड से हम जो हमारा पहला चेन स्टिच है ये देखिए, उसके अंदर हम ऐसे क्रोशिया उड़ा लेंगे, और यहाँ पर ये मजेंटा कलर कनेक्ट कर लेंगे ऐसे करके। तो ये हमारा मजेंटा कलर कनेक्ट हो गया, और यहीं से हम एक चेन बनाएंगे,
और नेक्स्ट चेन स्टिच के हम अंदर क्रोशिया उड़ालेंगे और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया। इसी तरीके से फ्रेंड्स एवरी चेन स्टिच के अंदर क्रोशिया उड़ालेंगे और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाते हुए अपना ये वर्क कंप्लीट करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने एवरी चेन के अंदर सिंगल क्रोशिया बनाते हुए अपना वर्क यहाँ लिया है और यहाँ पर अब हम ये देखिए ऐसे ही ऊपर से लूप उठाएंगे और अब हम इसके अंदर से यहाँ पर ऐसे करते हुए ये देखिए यहाँ से बल लेंगे और इसके अंदर ऐसे डालेंगे, पीछे से यहाँ से लूप निकालते हुए ऐसे, और यहाँ पर हम एक इस टाइप से डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए ये एक बन गया हमारा और ये दूसरा डबल क्रोशिया, ये तीसरा डबल क्रोशिया, ये इसके अंदर से फिर से यहाँ पर ये फोर्थ डबल क्रोशिया। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे फोर डबल क्रोशिया हो गए और अब हम यहाँ पर इस साइड में ये देखिए ऐसे बल लेंगे और इस क्रोशिया को ऐसे पीछे से हमने ये देखिए पीछे से बल लिया और अब हम इसको ऐसे करके ये देखिए यहाँ पर डालेंगे ऐसे, और यहाँ पर भी हम ऐसे चार डबल क्रोशिया कंप्लीट करेंगे। जैसे हमने फ्रेंड्स यहाँ बनाए इसी तरीके से हम इसके अंदर भी चार डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए ये हमने वन बनाया, ये टू, ये थ्री, और ये लास्ट में ये देखिए यहाँ पर ये फोर्थ डबल क्रोशिया। तो ये देखिए हमारे फोर डबल क्रोशिया इधर कंप्लीट हो गए और फोर ही इधर हो गए। अब हमने ये जो पहले यहाँ पर हमने एक इसे कनेक्ट किया था उसके ऊपर एक चेन स्टिच बनाई थी, उसमें क्रोशिया को ऐसे डालेंगे और यहाँ से लूप निकालते हुए उसको यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे और यहीं पर इसे हम फ्रेंड्स कट कर देंगे। तो ये देखिए ऐसे इसको हम यहाँ से कट कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ हमने इसको कट कर दिया। अब हम यहाँ पर ये देखिए ये जो हमने डबल क्रोशिया बनाए चार इधर इनके बीच में हम ऐसे क्रोशिया उड़ा लेंगे और यहाँ पर ये जो हमारा क्रीम कलर है इसको हम यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे इसमें ऐसे, ये जो चार डबल क्रोशिया हमारे इनके बीच में। तो ये देखिए हमने यहाँ क्रीम कलर कनेक्ट कर दिया और यहीं पर हम इसी के अंदर यहाँ एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे और उसके बाद फ्रेंड्स जितनी भी हमारे पास ये देखिए यहाँ चेन स्टिच है, ये चार चेन स्टिच है हमारे चार डबल क्रोशिया के ऊपर, इनके ऊपर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इनको भी हम ऐसे बैक में कर देंगे। ये देखिए ये हमने सिंगल क्रोशिया बना रहे हैं एवरी चेन स्टिच के ऊपर, ये जो हमारे चार डबल क्रोशिया है इनके ऊपर फ्रेंड्स। और अब हम ये वाले जो हमारे सिंगल क्रोशिया है ये वाले यहाँ पर, अब हमारा वर्क यहाँ तक पहुँच गया। ये तो ये देखिए यहाँ पर भी हम ये ऐसे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद वन टू थ्री, ये थ्री चेन बनाएंगे और यहाँ पर ये इस टाइप से ये पर्ल स्टिच बनाएंगे। तो ये देखिए हमारे पर्ल स्टिच बन गए और इसी तरीके से फ्रेंड्स हम ये जो हमारी नेक्स्ट चेन स्टिच है उसके अंदर हम क्रोशिया उड़ालेंगे ऐसे और यहाँ पर भी एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए और यहाँ पर भी वन टू थ्री, ये जो थ्रेड है इसको ऐसे पीछे कर लेंगे और यहाँ पर भी ये देखिए पर्ल स्टिच। तो ये देखिए हमारे पर्ल स्टिच बन गए और इसी तरीके से पर्ल स्टिच बनाते हुए हम ये जो चार डबल क्रोशिया हमने यहाँ बनाए इसके यहाँ यहाँ तक हम अपना वर्क कंप्लीट करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ तक अपना वर्क कंप्लीट कर लिया है यहाँ तक, और अब हम नेक्स्ट चेन स्टिच के अंदर क्रोशिया उड़ा लेंगे ऐसे, ये जो हमारे चार डबल क्रोशिया है इनके अंदर भी हम
ऐसे ही सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाकर ऐसे यहाँ तक अपना वर्क कंप्लीट करेंगे और यहाँ पर इसे कनेक्ट कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तक हमने अपना वर्क कंप्लीट कर लिया और अब यहाँ से हम इसे कट कर देंगे ऐसे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा वर्क देखने में कुछ इस टाइप का है। अब हम यहाँ से ये देखिए इनको बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट कर देंगे एक बार, यहाँ से ऐसे इनको ये बिल्कुल सीधे हो गए और यहीं से अब हम इनको कट कर देंगे। ये देखिए, ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने इसको यहाँ पर कट कर दिया और ये जो एक्स्ट्रा है इनको भी हम ऐसे पीछे की तरफ यहाँ पर सेट कर देंगे और जितना हमें चाहिए, ये देखिए, इसको अब हम यहाँ पर ऐसे हाथ रखेंगे और यहाँ पर ऐसे राउंड में कट कर देंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, ये हमारा वर्क देखने में कुछ इस टाइप का है और यहाँ पर हम चाहें तो कोई पल्स भी लगा सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने बीच में पल्स लगा दिया और ये एक्सेसरीज हमारी तैयार हो गई गोपाल जी के मुकुट में लगाने के लिए। तो ये देखिए, जैसे मैंने इसको बनाया है सेम इसी तरीके से मैंने इसको बनाया, बस इसमें मैंने स्टोन चिपका दिया। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे से ये वीडियो समझ में आ गई होगी और आप लोग भी इसको ज़रूर बनाएंगे गोपाल जी को रिझाने के लिए। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को मेरा काम करने का तरीका, वीडियो बनाने का तरीका ज़रूर पसंद आ रहा है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट्स भी कीजिए। राधे राधे।